नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। आज ये हमारा एक स्टूडियो है, तो इसके अंदर मैंने जब पिछली बार जब कलर कराया था इसकी दीवारों पे, तो ये मतलब मुझे बस मजबूरी में करवा लिया और दिखने में अब इतना अच्छा नहीं लगता। और इस कलर के बारे में कहा जाता है कि अगर आप अपने स्टूडियो के अंदर या कहीं पर ऐसा कलर करवा देते हो, अपने स्टडी रूम के अंदर ऐसा कलर करवा देते हो, तो फिर है ना वहाँ पे आपका मन नहीं लगता काम करने का, दिल नहीं करता पढ़ाई करने का, ऐसे मतलब इच्छा नहीं होती। तो इस वजह से मैं इसे एक वास्तु दोष भी कह सकते हैं, और मैं बस कलर चेंज करना चाहता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम अब इस रूम जो एक स्टूडियो है मेरा 7x13 का, तो मैं इसे चेंज करवाना चाहता हूँ। इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर है, जो कि मतलब ऐसे समझ लीजिए जो टेक्निकल काम होते हैं उसके अंदर मतलब एक राहु दोष उत्पन्न करता है, जिससे जो काम है सफल नहीं होते। तो आपने देखा होगा मैं काफ़ी टाइम से इसके अंदर जो वीडियोस वगैरह बना रहा था, लेकिन जब से मैंने इसके अंदर ये कलर करवाया तो उसके बाद से कुछ वजह से मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता। पुरानी वीडियो के अंदर अच्छे व्यू आते हैं, इस वीडियो के अंदर इतने जो एवरेज से व्यू आ रहे थे, तो मुझे लगा वास्तव में मैंने इसके बारे में पढ़ा, किसी से बात की, तो वास्तव में यही दोष है। अगर आपके भी घर के अंदर ये मान लीजिए पूर्व और दक्षिण कोने के अंदर अगर इस तरीके का कलर किया हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है, इसको दूर कर लेना चाहिए। तो मैं इसके अंदर जो क्रीमिश क्रीम कलर का, पहले मैंने सोचा व्हाइट, फिर मैंने सोचा क्रीम, जो क्रीम कलर का इसके अंदर कलर करने वाला हूं, तो प्रोसीजर चालू करते हैं कलर करने। तो इसके लिए जो मैंने घर पे पड़ी थी एक बाल्टी, पुरानी जो कलर की ही बाल्टी है, और उसके बाद में एक 5 लीटर का बर्जर का डिस्टेंपर, एक डिस्टेंपर मैंने मंगवा लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ और बताऊंगा कितना खर्चा पड़ा इतने छोटे से रूम में करवाने के लिए। हालांकि जो हमारा बाथरूम है, अगर इसके अंदर कलर बचता है तो मैं बाथरूम के अंदर भी यही करने का सोचूंगा। तो ये एक तरीके का प्राइमर कलर है और वाइट कलर है। हम इसका पहले MRP देखते हैं कितना MRP है इसका। तो इसका MRP है 469, मतलब 470, लेकिन मेरे को ये पड़ा 350 रुपये के अंदर। बर्जर का है, ब्रांडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में घर पे ब्रश पड़े थे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे मिलते नहीं है, तो इसलिए मैं ये ब्रश लेके आया। ये लगभग मुझे पड़ा 50-60 रुपये का। और उसके बाद में, और ये एक कलर है निपोन पेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, ये येलो कलर है, येलो कलर और वाइट कलर में थोड़ा सा येलो कलर डालेंगे, तो ये मान लीजिए क्रीमिश क्रीम कलर का जो कलर आ जाएगा वही मुझे उसके अंदर करना है। आप देख पा रहे हैं ये जो पीच टाइप का कलर है, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा लाइट और क्रीम कलर इसके अंदर करूंगा। और इसका प्रोसीजर ये है कि ये 5 लीटर की जैसे डिस्टेंपर कलर की बाल्टी है, तो मुझे इसके अंदर लगभग 5 लीटर पानी और मिलाना है। तो 5 लीटर पानी मिलाने के बाद ये टोटल 10 लीटर का बन जाएगा, डबल कोट जो उस रूम के अंदर हो जाएगा। अब देखो आप, एकदम अलग सा उसका कलर लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं ये कलर चेंज करने वाला हूँ, तो प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मुझे ये जो सामान वगैरह पड़ा है टोटल ये निकालना पड़ेगा, और मैंने लगभग एवरेज माना है 1 घंटे में ये मैं काम कंप्लीट कर दूंगा। और मुझे जो कपड़े हैं वो भी चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि जो छींटे वगैरह इसके कपड़ों पर पड़ जाते हैं तो कपड़े ख़राब भी हो सकते हैं, मतलब धुलने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले हम रूम को खाली करते हैं। मैंने मेरे कैमरे को वाइड एंगल मोड पर कर लिया है, तो सबसे पहले जो रूम का ऐसा सामान है जो ख़राब हो सकता है उसको हम बाहर निकालेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे जो साउंड को मतलब रोकते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ये है, तो इसको मैं उतारने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि बिना नुकसान हुए ये उतर जाएंगे।
हमारा स्टूडियो रूम पूरी तरीके से खाली हो चुका है, और खाली होने की वजह से जो आवाज़ है काफ़ी गूंज रही है, और जो नॉइज़ वाले हमने अब्जॉर्बर उतारे थे तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये जो ये काफ़ी इस तरीके से चिपके रह गए जो ग्लू की वजह से। पहले सबसे पहले हमें इनको उतारना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम कोई पत्ती वगैरह होती है उसकी वजह से इसको उतारेंगे। मुझे एक पत्ती मिली है पुरानी, तो मैं इसे उतारने की कोशिश करता हूँ। जितना हो सकता है हम इसे उतार लेंगे। तो मुझसे जितना हुआ मैंने जो इसको क्लियर कर दिया, बस थोड़ा बहुत है, ये रंग के पीछे आ जाएगा। बस मेरा मकसद है जो दीवार का कलर चेंज करना, और कुछ नहीं। तो प्रोसीजर हम चालू करते हैं। सबसे पहले हम जो कलर है वो मिक्स करते हैं। प्रियंका इसके अंदर शायद मेरी हेल्प करे। दोस्तों अब हम कलर बनाने की शुरुआत करते हैं। तो मैंने पहले बताया था जो ये डिस्टेंपर होता है इसके अंदर दुगना पानी, मतलब 5 लीटर है तो लगभग दुगना 9 से 10 लीटर इसके अंदर पानी डलेगा। तो इसको ओपन करने की भी एक अपनी कला होती है, जो मैं काफ़ी टाइम बाद इसे ओपन कर रहा हूँ। इससे पहले जब हमारे घर में जो पेंटर द्वारा कलर किया गया था तो उस समय मैंने बाल्टी ओपन करना सीखा था, लेकिन अब मैं भूल चुका था, लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे करके मैंने जो बाल्टी को ओपन करने का जो चैलेंज है वो कंप्लीट कर लिया है। और ये बाल्टी का जो ढक्कन है वो खुल चुका है, और मैं जो ब्रश है इसकी पॉलीथीन को उतार लेता हूँ। ये ब्रश भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अब मैं पहले थोड़ा सा जो कलर है वो बना के देखता हूँ किस तरीके का जो कलर अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम किसी चीज़ की सहायता से जो पेंट है उसको मिक्स कर लेंगे। अब मैंने लगभग 1.5 लीटर एक बार पेंट लिया है, लगभग 2 लीटर के लगभग होगा, तो उसमें मैं लगभग 4 से 4.5 जो लीटर है पानी इसके अंदर डाल लूँगा। और जो इसका ढक्कन है बाल्टी का, तो उसके अंदर भी जो एक्स्ट्रा कलर लगा हुआ है उसको भी मैं कंप्लीट तरीके से जो यूज़ कर लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कैसे ना कैसे जो इसका कलर वेस्ट हो, क्योंकि ये बाद में काम में नहीं आने वाला है, ये सूख जाएगा और किसी भी काम नहीं आएगा। तो मैं कैसे ना कैसे इसको उतारने की कोशिश करता हूँ, और आप देखिए ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। और इस ये जो हालांकि ये जो कलर है हाथों को नहीं पकड़ता, लेकिन धोने के बाद अच्छी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। तो अब हम मैंने इसके अंदर पूरा पानी मिला लिया है जितनी ज़रूरत थी मेरे को। अब हम जो इसके अंदर थोड़ा सा पानी और मिला के अब इसके अंदर हम कलर डालेंगे। तो ये येलो कलर है, इसके ढक्कन से कलर का पता चल जाता है। तो ये है निपोन पेंट का, और मैं इसके जो ऊपर की तरफ से एक जो सील होती है उसको ओपन कर लूँगा, काफ़ी जो टाइट है ताकि ये गिरे ना किसी न किसी तरीके से। और मैं इसके अपने हिसाब से मैं देख लूँगा कि मुझे कितना येलो या फिर कह सकते हैं क्रीमिश कलर करना है, क्रीम कलर करना है। तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, ये वाला कलर अच्छा रहेगा। और मैं अब इसे ले जाता हूँ रूम के अंदर, स्टूडियो के अंदर, और थोड़ा थोड़ा करके जो शुरुआत करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि बैकग्राउंड में इसका जो कलर है काफ़ी डार्क है, और मुझे लगता है मुझे 3 जो लेयर होती है, जिसे नॉर्मल भाषा में 3 ट्राई कोट कहा जाता है, 3 कोट, सिंगल, डबल और ट्रिपल, क्योंकि इसके अंदर जो सिंगल मैं कोट करूँगा तो उसके अंदर कंप्लीट जो कोट होगा वो पीछे का जो कोट होगा कलर होगा वो छुपेगा नहीं, डबल कोट करूँगा तो थोड़ा बहुत छुपेगा, और जो थर्ड कोट होगा उसके अंदर अच्छी तरीके से जो पीछे का कलर दिखना बंद हो जाएगा। तो आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे ये एकदम पानी की तरह है, नहीं, लेकिन क्योंकि ये गीला है और नीचे की तरफ है जो कलर है वो काफ़ी डार्क है, तो जैसे जैसे ये सूखेगा तो जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। सामने की दीवार की तरफ आप देखिए, पहले बिल्कुल अलग कलर था तो मैंने पेंट किया, तो ये सूखने के बाद अलग हो गया। तो मैंने हाफ जो फर्स्ट कोट है नीचे की तरफ हाफ कर दिया है, अब इतना डिफरेंस आ चुका है। अब मैंने पूरा जो फर्स्ट कोट है अपना कंप्लीट कर दिया है।
अगर मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखाता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने धीरे धीरे करके स्किप करके जो मेन पार्ट है वीडियो के आए आपको वो दिखा रहा हूँ। तो ये सेकंड कोट हमारा कंप्लीट हो चुका है, देखिए अच्छी तरीके से जो सेकंड कोट है वो से काफ़ी हद तक जो पीछे का रंग है जो कलर है वो दब चुका है। और अब मैं जो अपना थर्ड कोट वो शुरू कर चुका हूँ। थर्ड कोट के बाद में हम आपको रूम दिखाएंगे किस तरीके से हमारा रूम लग रहा है। तो काफ़ी जो सुधार है, जो रंग चेंज हो चुका है। और थर्ड कोट कंप्लीट होने के बाद में हमने सामान वगैरह रूम के अंदर जिस तरीके से था उस तरीके से रख दिया है। तो रात का समय है और लगभग ठीक ठाक सा, मतलब क्योंकि मैंने पहली बार ही किसी रूम के अंदर कलर किया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको जो मैंने चीज़ें दिखाई वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको चीज़ें पसंद आई, जो कलर पसंद आया और जो तरीका पसंद आया, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये वाइड एंगल मोड पे है और कुल मिला के जो नीचे का कलर है वो दब चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद।